स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्यों प्रताप, तो ये है तारा तगड़ा प्लेयर। अरे मन्ने तो कमसन कली से लगे, चल एक बार और खेल ले। संभाल संभाल संभाल, देख तू खेल सकती है, ध्यान से खेल, फोकस कर, ठीक है? भाई साहब इन कपड़ों में मैं कैसे? जानता हूँ, पर तू ध्यान से खेल, इसमें से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू छोरा नहीं छोरी है, समझी? ये खेलेगा नहीं, खेल डलवा देगा हमारी टीम के। गोपाल भैया कैंसिल। प्रताप इसके बस का ना आई है, ये ना खेल पाएगा, जाने दे। नहीं 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 गोपाल भाई ऐसा मत बोलो, इतने दिनों से सिलेक्शन चल रही थी पर टीम पूरी ना हुई, आपने मेरी बहन को रिजेक्ट किया समझा, पर ये तो छोरा है, प्लीज मान जाओ। पर उतना तगड़ा प्लेयर भी ना है प्रताप ये। पर बुरा प्लेयर भी ना है, बस आज बल्ला ना चला। देखो वैसे भी अगर हमारी टीम पूरी ना हुई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उससे अच्छा इसे लेकर टीम पूरी करो। वैसे इसने एक शॉट तो अच्छा खेला था, ठीक है नाम लिख लेता हूं लेकिन स्टैंड बाय में, समझा? हाँ चलेगा, अब बस नाम लिख लो, मौका मिलने पर मारा भाई हुनर भी दिखाएगा। ठीक है चलो नाम लिख लेता हूँ। सो सॉरी दादी, काम में थोड़ा बिजी था। बताइए क्या डेट फिक्स हुई शादी की? हाँ बेटा शादी की तो डेट फिक्स हो गई, पर बेटा तू एक बार फोन करके अपनी माँ से बात कर लेना। क्या हुआ दादी, सब ठीक है ना? अयान का बर्थडे तो 7 अगस्त को होता है ना, फिर कुंडली में जून क्यों लिखा है? तो बस तू एक बार माँ से जरूर बात कर लेना, वो बहुत परेशान है, बस बार बार यही बोलती रहती है सबको पता चल जाएगा सबको पता चल जाएगा, वो बदनामी से भी बहुत डर रही है, तो भूलना नहीं। हाँ यस दादी, मैं माँ से बात करता हूँ। चल बाय, रखती हूँ। बाबा ये MBA बिजनेस मुझे ये सब नहीं समझ आता है, मुझे क्रिकेट खेलना है बाबा। और ये एम्पायर जो मैंने खड़ा किया है इसे कौन संभालेगा? यान, तुम्हें अपनी ये जिद छोड़नी होगी। जिद आपके लिए बाबा, मेरे लिए क्रिकेट मेरा पैशन है, मेरी जिंदगी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अपनी डैड की लेगेसी को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा फर्ज है। फर्ज निभाने के लिए मैं अपनी जिंदगी अपने सपने बर्बाद नहीं कर सकता बाबा, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है मेरा। अगर आपके लिए आपके बेटे के सपनों से बढ़कर आपकी खुद की लेगेसी है तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। जाओ निकल जाओ मेरे घर से और अपना मुंह कभी दिखाना मत यहां पर। अरे तुमसे तो यही उम्मीद थी, अगर मेरा अपना असली खून होता ना तो कभी ऐसी बात करता नहीं अपने बाप के साथ, कभी ऐसी बात करता नहीं अपने बाप के साथ। मैं आपका खून नहीं हूं बाबा, तो फिर कौन हूं मैं? जवाब दीजिए बाबा, बाबा आंसर मी। तुम मेरी बेटी जरूर हो आया, तो मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं। जब मैंने तुम्हारी मां से शादी की थी वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, मैंने उसे शादी करके अपना नाम दिया। अगर मैंने शादी नहीं की होती तो वो कहां रहते? तुम कहां रहते?
मैंने तुम्हें अपने खून से बढ़कर प्यार दिया है। बड़े बेटे का ओहदा दिया है तुम्हें, और तुमने तुमने बाप के बदले क्रिकेट को चुना है, क्रिकेट को। मेरे सारे सपने, मेरी सारी उम्मीदें बस यूं ही तोड़ दिया तुमने। अरे मुझे तुम पर गर्व था बेटे, गर्व। लेकिन आज तुमने अपने इस बाप को अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल अकेला। भैया ये राज ना हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा मेरे अनमोल सिंह, अब बस तुम मैदान में सबके छक्के छुड़ा दे। हाँ भाई बस वही दिक्कत है, मुझे ना क्रिकेट खेलना अच्छे से आया नहीं, मुझे ना कोई अच्छा क्रिकेट गुरु चाहिए। पर तुझे क्रिकेट कोचिंग देगा कौन? बाबा, I'm sorry. बाबा मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी, मेरा ही लाइफस्टाइल, सब कुछ आपका एहसान है मुझ पर बाबा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी आपकी शान पर आँच नहीं आने दूंगा बाबा। मैं आज कसम खाता हूं, मैं कभी बैट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने कभी बैट को छुआ भी ना, तो आप समझ लेना मर गया आपका बेटा। क्या करने जा रही हो तुम सविता? छोड़ो 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 छोड़ो, एक बिन भी आई बाहों के अपने बाप के नाम पे कलंक बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। संभालो अपने आप को, ये गलत है। गलत ये नहीं, गलत मैं कर चुकी हूँ जनार्दन, जिंदा रह के अपने बच्चे को नाजायज की गाली बनने से अच्छा है मैं खुद को और इस सब दोनों को खत्म कर दूं। ये बच्चा नाजायज नहीं होगा सविता, मैं दूंगा इससे अपना नाम, तुमसे शादी करके तुम्हें और इस बच्चे को मैं अपने दिल से अपनाऊंगा। आज से बच्चा मेरा है सविता। तू यहाँ क्यों लाई है मुझे? भाई साहब हमारे पास कोच नहीं और ना इतना टाइम है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। थारे को जितना क्रिकेट आता ना हमारे कुछ। तू पागल हो गई क्या? ये सब का टाइम ना है, अभी सुबह से हम घर से गायब है, इससे पहले कोई हंगामा हो तू घर चल। भाई साहब रुको, भाई साहब प्लीज। अरे मुझे ना रुकना, मुझे तेरी बात नहीं सुननी, अब तू घर चल, हमको घर जाकर ऑलरेडी बहुत डांट पड़ने वाली है। बचपन से लेकर आज तक बिना मतलब की तो खरी खोटी सुनती आई हूँ, पर आज मेरे पास वजह और मौका दोनों है। फिर डांट से क्या डरना, इतनी बार तो डांट खाई है, एक और बार खा लूंगी। बहना तुझे पता है ना वो पप्पी सुबह से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अगर उससे ही तो पीछा छुड़ाने के मैंने ही कदम उठाया। भैया क्रिकेट अब बस हमारे लिए खेल नहीं, बापूसा का बोझ हल्का करने का एक जरिया बन गया।
माँ को जिल्लत भरी जिंदगी से निजात दिलाने का जरिया, फालतू से अनमोल बनने का जरिया। पर अब मैं ये मौका नहीं गवा सकती भैया। मैं तुझे समझता हूँ मेरी बहना, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम आज से नहीं कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तेरी रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तू अचानक अंधी भी हो सकती है। कितना समय मेरे पास डॉक्टर से? 3 महीने। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भैया। अरे टाइम ना है मतलब क्या, तेरे को कौन सी बिजनेस मीटिंग में जाना है? वो मारा मतलब कि 4 दिन बाद मैच है ना, और हमें इस रूप में भी तो अपने आप को ढालना है, तो इसलिए आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब ये पकड़ो बॉल और वो फिरकी वाली गेंद डालना जो उस दिन मेरे से मारी नहीं गई थी। चलो माँ, माँ आप रो क्यों रहे हो? माँ जो हुआ नहीं उस पे रोना तो पापा के प्यार पे पानी फेरने जैसा है ना। अतीत की कुछ परछाइयां इतनी गहरी होती है बेटा, उन्हें पीछे भी छोड़ दो पर वापस आने का डर हमेशा लगा रहता है। और तुम्हारे जन्म का सच कभी बाहर आया तो? लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना? बाबा ने सब संभाल लिया ना। अब आप भी खुद को संभालो। संभलना तो इस 25 साल पुरानी सविता को था जिसने समाज के दायरे को लंघा। नफरत है मुझे उससे। शुक्र है तुम्हारे बाबा का, वरना नाजायज होने की गाली हमारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देती। मां, मां, बाबा का जो मुझ पे एहसान है ना, वो मैं 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। उन्होंने हमेशा मुझे किंचुक से भी बढ़के प्यार दिया है। अच्छा अब मेरी खातिर नहीं तो बाबा की खातिर प्लीज रोना बंद कर दो। तू सच कह रहा है बेटा, अतीत के पीछे रोना मतलब तुम्हारी बाबा की नेकी पर शक करने जैसा है। तुझे पता है एक तू ही है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता है। तुझसे बहुत उम्मीदें हैं उन्हें, तुम्हारे लिए उन्होंने जो भी कुछ किया है ना उसके बदले इत्तरपुर जितना तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा तुम मेरी हर बात मानते हो ना, तो और एक बार तुमसे कुछ कहूंगी। जस्ट मेक हिम प्राउड बेटा, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बन के दिखाना, यही तुम्हारा कर्म है। आई विल मेक हिम प्राउड मां, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी। आप रोओगे नहीं, अब रोना बंद करो। चलो आप अपना ध्यान रखो। देखो भाई, मारे को नहीं पता कि अनमोल कौन है, लेकिन यो बात तो तय है जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो थी वो थारी बेटी फालतू ही थी। अरे मारी होने वाली लुगाई को मैं ना पहचान सकूं के? रंगूरी ने तो ना देखा फालतू को, वो तो थे के साथ ही थी ना। बस गैस बंद, एक बार फालतू आ जाए उसके बाद खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे बहस तो होती नहीं, अगर वो मिल जाती पूरा गाँव छान मारा, पर छोरी कहीं ना दिखी। आओ आओ जाने मन, लो देख लो काकी सासू माँ, अब मारी नजरों को कमजोर बोल रही थी ना। अरे ये पप्पी की आंखें, पप्पी की, और पप्पी की आंखें ना गांव की छोरियों को पहचानने में ना मिस्टेक ना कर सके, और ये तो फिर भी मारी होने वाली लुगाई से। दोनों भाई बहन साथ में गए थे और साथ में ही वापस लौटे हैं। कहाँ थी? माँ मैंने बोला था ना, बहना अनिलेश्वर महादेव मंदिर गई थी जल चढ़ाने। मैं भी मंदिर में था,
देना दिखी मैंने? वो टाइमिंग मैच ना होगा पापा। मैं सुबह से मंदिर में था। तो सुबह से टाइमिंग मैच ना हुआ होगा। ते भगवान, ये छोरी क्या कर रही है? मेरे भोले भाले बच्चे से झूठ बुलवा रही है। फालतू कहाँ गई थी? बता कहाँ गई थी? ये ऐसे नहीं बताएगी। अरे माँ, हट। अरे चुप, हटे यहाँ से। तुझे ही पड़ेगी, नहीं तो बता कहाँ गई थी? बता, नहीं चुप तो तुझे तेरी। बस बहू, भाई साहब, फालतू दिन भर से घर से गायब थी और पूछने पे झूठ बोल रही। लाडो मारे साथ थी। मैंने मना किया था उसे तुम सबको बताने को। आपने मना किया था? क्यों? मैं गेस्ट हाउस के काम के साथ साथ दूसरा काम भी ढूंढ रहा हूँ। मदद के लिए बुलाया था इसे। लो देख लो, घर का धंधा होते हुए बाहर काम ढूंढा जा रहा है। पैसा, गेस्ट हाउस का नाम चेंज हुआ है, गेस्ट हाउस अब भी आप कहिए। पापा और मैं शॉल और मसाले का काम संभालते हैं ताऊ जी। अगर आप भी बाहर ऐसे काम देखोगे तो गेस्ट हाउस का काम कौन संभालेगा? अरे मारे को तो लग रहा है ना भाई साहब, वो पप्पी जी की रकम लौटाने के लिए यहाँ वहाँ काम ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे ससुर जी, 9 दिन में ऐसा कौन सा काम मिल जाएगा कि थे 1,00,000 रुपए जुटा लोगे है? अरे हम इस विषय पे बात ही क्यों कर रहे हैं है? क्यों कर रहे हैं बात? माफ करना भाई साहब, लेकिन आप घर के बाहर काम नहीं ढूंढेंगे। और अगर ऐसा हुआ भाई साहब तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ, बहुत हो गई फैमिली ड्रामा जी है। अब सुनो हमारी बात, मारी और फालतू की शादी कल के कल ही होगी। अजय, पर बात तो 10 दिन की हुई थी ना। अच्छा जी, मैंने अपना माइंड ना चेंज कर लिया जी। अरे ब्याह कोई हंसी ठिठोली थोड़ी ना है, वक्त लगता है। और पप्पी जी, इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे? अरे मारी सासू माँ, ऐसी कौन सी तैयारी करनी है जी। अच्छा चलो जी, 4 दिन का वक्त और दिया आप लोग है, तो बात तय हो गई जी। 4th दिन मारी बारात थारे चौखट पे पहुंचेगी। आप सब बस स्वागत की तैयारी करो है जी। चलो, राम राम। राम राम। जब से पैदा हुई है अपने बापू से ऐसे ही माफी मंगवा रही है। उनका रुतबा औदा सब खत्म कर दिया तूने, हमारी जिंदगी खराब कर दी। आज मेरा बेटा जिंदा होता। बस जमना, मैं एक शब्द को नहीं सुन सकूं हमारी बेटी के खिलाफ। मेरा मुंह बंद करने से हमारे हालात सुधर ना जाएंगे? 4 दिन में वो गधेड़ा बारात लेकर आ रहा है, थे को जेल जाने को चाहिए। ये सब सोच सोच कर मेरा दम घुटने लगा है। बापू, 4 दिन में हमारी ब्याह वाली बात को ना रिजेक्शन कर दो। 4 दिन में हमारा ब्याह नहीं होना चाहिए। काकूसा से बात करो, कुछ तो करो बापू साहब, प्लीज। अपने बापू की नाक रगड़वाने के लिए जन्म लिया तूने? माँ प्लीज। बस 4 दिन में ब्याह है तेरा, ठीक होकर तैयार हो जा। इसके अलावा कोई और चारा ना है हमारे पास। ठीक है, तुम्हें जेल जाने ना दूंगी। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द मार्ट साहब से बात करनी होगी। कहाँ जा रही हो? भाई काम में बहुत बिजी है, डिनर करने भी नहीं आए। तुम उन्हें प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मुझे बस 5 मिनट उनसे बात करनी है। उससे ज्यादा मैं पक्का उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसी क्या बात करनी है भाई से? मुझे बस उनसे इतना पूछना है कि वो क्रिकेट के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? क्या वो खेलना भी सिखाते हैं? थैंक गॉड मैंने तुम्हें यहीं रोक लिया। क्रिकेट का सवाल वो भी भाई से, वो भड़क जाएंगे। जो पूछना है ना इंटरनेट से पूछ लो, वहां तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है।
एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ, अरे मोरी मैया, अयान मित्तल, ये तो रणजी प्लेयर है क्या? और 4 साल पहले इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हुआ है, देख। टीम इंडिया, मिल गया हमारा कोच भैया, अब तो ये महलू रामी बनेगा हमारा द्रोणाचार्य। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।